जम्मू कश्मीर से लोडस्पीकर उतारेंगे मंदिरों मस्जिदों से गुरुद्वारों से? नहीं, आपको बड़ी जल्दी पड़ी है, क्यों उतारेंगे? चार चार लगे हैं, चार चार और लगाओ। तो वो भी बजेगा, आपको जिगराता होगा, हमने कहा दम होगा तो आ जाए, मैं वहाँ पे बैठा हूँ। लेकिन मेयर साहब ने कहा कानूनी अपराध माना जाएगा। बात नहीं, जो 10 से 6 है वो सबके लिए है। हम भी जागरण में जाते हैं, जब जागरण में 10 बजते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी जो शोर है कम हो जाता है। उनको क्या करें बात को, तो रात को 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक जागरण होते हैं, उनके लिए किस तरह का प्रावधान है? कोई स्पेशल परमिशन उनकी उन जागरण के लिए होगी क्या? कोई ऐसी बात नहीं, जो 10 से 6 है वो सबके लिए है। हम भी जागरण में जाते हैं, जब जागरण में 10 बजते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी जो शोर है कम हो जाता है। लाउडस्पीकर को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सियासी हलचलें काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं, और वहीं पर जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदियां लगा दी हैं। उन्होंने कहा है कि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर जो है वो नहीं बजाए जाएंगे, वो क्यों ना कोई धार्मिक स्थल ही क्यों ना हो, लाउडस्पीकर नहीं बजने चाहिए। इस तरह का रेजोल्यूशन जो है वो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पास हो चुका है, और उसके बाद अलग अलग पार्टी के नेता अलग अलग बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले रमन बल्ला की अगर बात करूँ, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम पूरी रात जागरण करेंगे, लाउडस्पीकर भी बजाएंगे, देखते हैं किसमें कितना दम है। और वहीं पर अगर रविंदर रैना की बात करें, जम्मू कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष हैं, कश्मीर में वो कहते हैं कि हम 4 की जगह 8 लाउडस्पीकर लगा देंगे। आखिरकार कौन क्या करना चाहता है, किस तरह की सियासत जो है वो जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है। पहले आप इन सभी नेताओं के बयान सुने कि लाउडस्पीकर को लेकर इन सभी नेताओं की किस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। आप इन सभी नेताओं के एक बार बयान जरूर सुने। प्रतिबंध कर रहा है जम्मू किसने किया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोर्ट पूछता, उसने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जीती हुई, तो ये 2 किलोमीटर के अंदर नहीं होगा, ये यूपी एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला होगा। हम जगराता कराएंगे, देखेंगे किसमें दम बनता है। जगराते में स्पीकर 10 से 6 बजे तक प्रतिबंध है, रात को वो भी बजेगा, आपको जगराता होगा, हमने कहा दम होगा तो आ जाए, मैं वहाँ पे बैठा हूँ। लेकिन मेयर साहब ने कहा कानूनी अपराध माना जाएगा, ऊपर पुलिस भी आगे एक्शन लेती है, हमें कोई दिक्कत आती है हम पुलिस को फोन करते हैं, तुरंत SHO आता है, तो हम कुछ पुलिस के माध्यम से कुछ अपने लोगों के, हमारे जो खिलाफवर्जी विंग है हमारा, उसके माध्यम से भी, हमारा इन्फोर्समेंट बहुत बड़ा विंग है, उसके माध्यम से भी हम लोग इसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। जो कोई भी उसका कहने से क्या होगा, वो तो लोगों की भावना यहाँ पे आई है, जम्मू मंदिरों का शहर है, जम्मू मंदिरों शहर रात को जब दिन को जो इनका म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी होती है, माइक लगा होता है, रात को भी कई बार सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो क्या उसमें भी प्रतिबंध होगा, क्या ये किस ढंग से ये करें, तो ये देखना। जम्मू कश्मीर से लोडस्पीकर उतारेंगे मंदिरों मस्जिदों से गुरुद्वारों से? नहीं, आपको बड़ी जल्दी पड़ी है, क्यों उतारेंगे? चार चार लगे हैं, चार चार और लगाओ। चलिए, तो रात को 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक जागरण होते हैं, तो उनके लिए किस तरह का प्रावधान है, कोई स्पेशल परमिशन उनकी उन जागरण के लिए होगी क्या? कोई ऐसी बात नहीं, जो 10 से 6 है वो सबके लिए है। हम भी जागरण में जाते हैं, जब जागरण में 10 बजते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी जो शोर है कम हो जाता है, उनको पता है, लोग खुद कहते हैं कोई प्रावधान नहीं है, ना होगा, सबके लिए एक है, जो लॉ होता है सबके लिए बराबर होता है। तो आपने ये जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता का भी आपने ये बयान सुना, और हमारे ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और कांग्रेस के सीनियर नेता रमन बल्ला कहते हैं कि हम पूरी रात जागरण करेंगे, देखते हैं किसमें कितना दम है। खुली चुनौती जो है वो उन्होंने जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता को दे दी है, और ये साफ कर दिया है कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास इतनी पावर है ही नहीं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन है, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस तरह के निर्णय नहीं ले सकता, ये रमन बल्ला ने साफ कर दिया है। और वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि इस लाउडस्पीकर को लेकर बीच का रास्ता जो है वो सरकार ज़रूर निकाले, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचती है, इस तरह के निर्णय नहीं लेने चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और वहीं पर रविंदर रैना कहते हैं कि 4 की जगह हम 8 लाउडस्पीकर जो है वो जम्मू कश्मीर में लगा देंगे, और ये बयान उन्होंने जम्मू में नहीं बल्कि घाटी में दिया है, श्रीनगर में जाके दिया है। अब जनता
इस पूरे विवाद को किस तरह से लेती है कि क्या जम्मू कश्मीर में, स्पेशली जम्मू की अगर मैं बात करूं, तो क्या लाउडस्पीकर जम्मू में बंद होने चाहिए या फिर नहीं। जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखे। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।